जब भी क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है तो दोनों के बीच का एंगल है एंड ए क्रॉस बी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एंड यूनिट वेक्टर जो परपेंडिकुलर होता है ए और बी पर। अब यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल टू ए एंड बी। थीटा जब निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी बटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। एंड थीटा कहां से कहां तक वेरी करेगा तो थीटा कैरेंट होता है 0 से लेकर यहां तक 2y तक होता है। ठीक, उतार लीजिए।